ट इजेनिंग टू देंजेज इन द बजट लाइन अब ये वही सूर्त हाल है कि बजट इन हिज हैंड कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बजट लाइन चेंज हो जाए या इनक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए सो so, जब बजट लाइन की हम बात करते हैं कि दैट इक्वल टू द इनकम एंड इट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर दैट द कंज्यूमर इज़ गोइंग टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ द कमोडिटीज़ तो इसका मतलब है कि उसके पास जो चेंज होने वाले दो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी के तहत या उसकी इनकम चेंज हो जाए और या उसकी प्राइसिस चेंज हो जाए अब जब हम इनकम की चेंज की बात करते हैं तो देन अगेन हमारे पास टू ऑप्शन आएंगी इनकम इट कैन भी इनक्रीज और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इट कैन डिक्रीज़ अब ये हमारे पास इधर के हो गए और इधर हम देखें तो प्राइसिस की फॉर्म में अगर हम जाएं तो बिकॉज कंज्यूमर दो कमोडिटीज एटलीस्ट ज़रूर इस्तेमाल कर रहा है जो एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पे है अब अगर हम देखें तो ये भी मुमकिन है कि उसकी प्राइस जो है वो एक्स वन की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए और पी टू की कांस्टेंट रहे मीन एक्स टू की कांस्टेंट रहे अगर हम इसमें देखें तो ओनली द प्राइस ऑफ एक्स वन इंक्रीज और दूसरा केस हमारे पास वो हो जाए जिसमें प्राइस ऑफ एक्स वन जो है ये डिक्रीज कर जाए जबकि पी टू कॉन्स्टेंट है और इसी तरीके से एक केस वो और हो सकता है जिसमें प्राइस ऑफ एक्स वन कॉन्स्टेंट रहे और प्राइस ऑफ पी टू जो है वो इंक्रीज कर जाए और एक केस हो सकता है जब x1 वन कॉन्स्टेंट रहे और प्राइस ऑफ x2 टू डिक्रीज कर दे तो अब ये चार केसेस के अलावा अगर हम देखें तो ये वो चार केसेस हमने बनाए थे जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है बट द अदर कमोडिटी की प्राइस सेम है नाउ दियर कैन बी द केस वेन प्राइस ऑफ एक्स वन और एक्स टू साइमल्टेनियसली चेंज हो अब अगर हम इस फॉर्म में जाएं तो अगेन देर कैन अ कम्बिनेशन जिसको मैं कहूं तो वो ये भी मुमकिन है कि जब हम इस फॉर्म में जाएं तो हम कहें कि प्राइस ऑफ एक्स वन और एक्स टू इनक्रीज़ हो यह भी कम्बिनेशन हो सकता है कि प्राइस ऑफ एक्स टू एंड एक्स टू बोथ डिक्रीज़ हो और यह भी हो सकता है कि आइदर एक्स वन और एक्स टू की जो चेंजेस है वो दोनों आपस में डिफर कर रही हूँ अब अगर हम आप देखें तो यहाँ पे मैग्नीच्यूड का भी हिसाब हो सकता है हो सकता है प्राइस ऑफ एक्स वन इंक्रीज हो रही हो और एक्स टू भी इंक्रीज़ हो रही हो लेकिन दोनों की प्राइस में जो मैग्नीचूड का फर्क है एक की प्राइस हंड्रेड परसेंट बढ़ रही हो दूसरे की टू हंड्रेड परसेंट बढ़ रही हो तो इवन इसकी वजह से जो हमारा बजट लाइन है वो एक्सपेंशन शो करेगा लेकिन उनकी स्लोप को फर्क पड़ जाएगा अगर ओवरऑल अब हम देखें तो इंक्रीज इन द इनकम इट विल इंक्रीज द टोटल बजट लाइन बट इंक्रीज ऑफ इनकम के साथ अगर हम देखें तो हमेशा हमारा क्या होगा कि एक्स एक्सिस का हॉरिजेंटल एक्सिस और वाई एक्सिस का वर्टिकल एक्सिस ये दोनों एक्सपेंड कर जाएंगे लेकिन प्राइसिस नहीं बदल रही तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि उससे स्लोप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लेकिन ये पैरालल शिफ्ट होगी और इसी तरीके से अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ कर जाती है तो इस सूरत हाल में भी उसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों चेंज हो जाएंगे और बजट लाइन इन्वर्ट शिफ्ट कर जाएगा लेकिन स्लोप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये पैराल शिफ्ट होगी और इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इसको इक्वल फॉर्म में ये उसकी इंक्रीज की फॉर्म है और लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है जो प्रीवियस फॉर्म में हमने लिखी है दैट इज एम बाय पी टू डिवाइड बाय एम बाय पी वन इट कम्स इक्वल टू पी वन बाय पी टू और अगर इस फॉर्म में भी अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी एम डैश प्राइम पी टू डिवाइड एम प्राइम डिवाइड P1 वन एंड अगेन वेन वी से इट बिकम्स लाइक दिस सो अगेन द स्लोप इज पी वन बाय पी तो चेंज इन इनकम की फॉर्म में हमेशा अगर हम देखें तो हमारी स्लोप कांस्टेंट रहेगी अब अगर हम चेंज इन प्राइसेस के बारे में करती है तो हम सिर्फ एक केस को यहाँ डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी अवेलेबल ऑन एक्स एक्सिस की इनक्रीज कर जाए तो क्या होगा चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कमोडिटी जो एक्स है वन है तो उसकी प्राइस का इंक्रीज होने से जो कमोडिटी एक्स टू पर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मौजूद उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि वह उसके ओर इंडिपेंडेंटली है तो इस वजह से हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट विल रिमेन् सेम और अगर हम देखें तो इस वजह से पहले पॉइंट पे हमारे पास और दोनों में अगर हम देखें तो इफ़ इट इज़ आवर इनिशियल बजट लाइन और उसके तहत हम देखें तो एम बाई पी वन एंड एम बाई पी टू तो मेरा हमारा बजट लाइन यहाँ पर है और अब अगर जो प्राइस ऑफ एक्स प्राइम जो है अगर हमारी हम देखें कि वो इनक्रीज कर गई इन द फॉर्म कि नाउ पी वन प्राइम इज़ ग्रेटर देन पी तो चूंकि इंक्रीज कर गई है तो अगर हमारी जो स्लोप है रेलिवेंटली अब एम डिवाइड बाय पी प्राइम इज लेस देन एम बाय पी वन अब अगर हम देखें तो उसकी रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसकी अमाउंट बढ़ गई है जिसकी वजह से न्यूमिरेटर चूंकि वही है तो हमारा जो बजट लाइन का कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो इनसाइड हो गया है तो अब ये पैरेलल शिफ्ट नहीं है शिफ्ट है जिसमें हमारी जो ये वाली पिवट है ये वहीं पर फिक्स रहेगी एंड दिस इज ओनली वन केस एंड नाउ इफ वी सी देर आर द मेनी अदर फॉर्म मीन प्राइस पी वन डिक्रीज कर सकती है और अगर डिक्रीज कर जाएगी तो अब वो क्या होगा अगर पी टू इंक्रीज कर दे और लेकिन पी वन कॉन्स्टेंट रहे तो उसकी शेप्स क्या है तो ये तीनों सेट स्टूडेंट यू कैन ड्रॉ एंड यू कैन चेक हाउ दीज बजट लाइन कैन ब्रिंग वेरियस चेंजेस अगर मैं इसको एक को आपके लिए ड्रा करूँ सिर्फ क्योंकि हमने एक्स वन की थी नाउ इफ आई एम गोइंग टू ड्रा ओनली वन के प्राइस ऑफ चेंजेस एंड प्राइस ऑफ अगर हम कहें तो इनिशियल लाइन हमारे पास इफ इट वॉज लाइक दिस एंड ऑन एक्स एक्स इज दिसम बाई पी वन एंड हेयर इट वॉज एम बाई पी टू एंड नाउ वी से दैट प्राइस ऑफ एक्स टू चेंजेस और चेंज क्या है कि ये प्राइस इंक्रीज कर गई है तो चूँकि ये इंक्रीज करेगी तो हमारी पहला था एम बाई पी टू जो हमारे साथ मेरा कोर्डिनेट था और अब जो सेकेंड है यह बनेगा एम बाय पी टू प्राइम एंड वेन पी टू प्राइम में पी टू इज हायर दैन पी टू तो उस वजह से हमारी ये वाला जो रेशो है ये जो है वो लेस हो जाएगी अब अगर हम इस फॉर्म में जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे सम्पोज करते हैं या आएगा तो इस फॉर्म में लाइक like दिस अब हमारा जो क्योंकि चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स टू हुई है तो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स टू होने से प्राइस ऑफ एक्स वन के कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर इसी तरीके से हम डिक्रीज़ और इंक्रीज के वेरियस प्राइसेस को देखते हुए भी हम इसमें केसेस को ड्रा कर सकते हैं और साइमल्टेनियस चेंजेस को भी हम देख सकते हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब दोनों प्राइसेस कमोडिटीज़ की इकट्ठी चेंज हो जाएं तो फिर हमारे पास क्या आ सकता है तो ये भी पॉसिबल है कि प्राइसेस दोनों की डबल हो जाएँ ये भी पॉसिबल है दोनों की प्राइसेस हाफ़ हो जाएँ और यह भी है कि वो डिफ़रेंट हो अगर एक केस हम लेते हैं जिसमें कि दोनों की प्राइसेस डबल हुई हैं तो दोनों की प्राइसेस डबल होने से दोनों के इंटरसेप्ट शिफ्ट होंगे और बजट लाइन जो है हमारी इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि प्राइसेस डिनोमिनेटर हैं और निमिनेटर सेम है तो ये हो के पीछे को मूव कर जाएगा प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज को हमने अज्यूम किया था कि अगर दोनों डबल हो जाएं तो हमारी बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसको अलजबरी देखें तो हमारे पास जो बजट लाइन होती है वो बजट लाइन हमेशा हमने तय की कि एक्सपेंडिचर की इक्वल होगी और अगर उसी एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से हमने यहाँ अपनी स्लाइड में देखा था कि अगर हम लिखें कि दैट इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल टू एम तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों की प्राइसिस डबल हो गई हैं तो सपोज इट कैन बी टू मल्टीप्लाई बाई दिस एंड टू मल्टीप्लाई दिस तो इट कैन बी लाइक टू इंटू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इट मीन्स हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो डबल हो गया और ये इक्वल टू एम है तो अगर हम देखें तो एक्चुअली इट इज इक्वल टू आवर प्रीवियस एक्सपेंडिचर एंड एम बाय टू तो उससे हाफ होगा तो जो हम पिछली इनकम के जरिए परचेज कर रहे थे अब हम उससे हाफ परचेज करेंगे इसीलिए इसको जब हम अलजब्रिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो मैंने जिस तरह डबल से किया इट कैन बी के प्राइस डबल हो जाए कैन बी ट्रिपल हो जाए कैन बी थ्री फोर टाइम्स हो जाए और ये भी पॉसिबल है प्राइसिस हाफ पे आ जाए तो उसको अल्जब्रिकली सॉल्व करने के लिए यू स्टूडेंट्स कैन डू दैट यू कैन मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर विद द प्राइस जो कि अगर कोई भी फैक्टर तो उसको एक कांस्टेंट टी से मल्टीप्लाई करके आप देखें कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पे ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस क्या फ़र्क पड़ा और उससे हमारा एक्चुअली जो अफोर्डेबिलिटी है या हमारी परचेजिंग पावर है या हमारा रियल बजट हमारे हाथ में कितना रह गया है सो इन वेरियस सिचुएशंस वी कैन कैलकुलेट यूटिलाइजिंग द अलजबरा